और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा ने आज कोरोना वायरस को लेकर के स्वास्थ्य मंत्रालय के आला अधिकारियों के साथ मीटिंग की। प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद ये बैठक हुई थी, कुछ देर पहले ये मीटिंग खत्म हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मनसुख मांडविया ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को जानकारी दी। बोर्ड परीक्षा 2023 में एग्जाम देने वाले छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, सभी छात्रों को मिलने वाले हैं बोनस अंक। चाहे आप क्लास 10th या फिर आप क्लास 12th के स्टूडेंट क्यों ना हो, 2023 की बोर्ड की परीक्षाओं में सभी छात्रों को काफी ज्यादा बड़ी और महत्वपूर्ण छूट मिलने वाली है। तो दोस्तों बने रहें वीडियो के अंत तक। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बोर्ड एग्जाम 2023 लेटेस्ट न्यूज टूडे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बोर्ड एग्जाम से जुड़ी हर एक सुचारू अपडेट आप तक समय से पहुंचती रहे। एवं कमेंट सेक्शन में अपने बोर्ड का नाम भी जरूर लिखें, ताकि आपके राज्य से जुड़ी जो भी अपडेट आए दोस्तों आप तक समय से हम पहुंचा पाए। तो दोस्तों देखिए हमारी इस छोटी सी रिपोर्ट में काफी इंपॉर्टेंट और बड़ी अपडेट। आज सभी लोगों को बता दें, 2023 की बोर्ड की परीक्षा में दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस बार 2023 की बोर्ड की परीक्षा 100% सिलेबस के साथ आपको देनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, इस बार आपको 100% सिलेबस के साथ ही तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों अगर आपके सिलेबस से, यानी कि अगर आपके क्वेश्चन पेपर में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन के दोस्तों आपको बोनस अंक में दे दिए जाएंगे। यानी मान लीजिए किसी आउट ऑफ सिलेबस से कोई क्वेश्चन आता है जिसके मार्क्स 3 नंबर का है, तो 3 मार्क्स आपको बोनस के तौर पर ऑलरेडी अपने आप ही दे दिए जाएंगे दोस्तों, अगर आप उसे छोड़ के आएंगे तब भी। ये काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही दोस्तों। इस अपडेट को जानकर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और 2023 बोर्ड एग्जाम से जुड़ी ऐसी हर एक इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण खबरों के लिए आपके अपने YouTube चैनल बोर्ड एग्जाम 2023 लेटेस्ट न्यूज टूडे को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।